subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल टेकमेक गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको लेके आए पोलर कंपनी के आपको हेलोजन हीटर है, जो कि आप देख रहे हैं फिगर में बना हुआ है। तो आपको बॉक्स से निकाल के दिखाएंगे और हीटर को थोड़ा सा रन करके दिखाएंगे और इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो आइए हम सबसे पहले बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इस हीटर के बारे में, इसकी प्राइस क्या है और कितने वाट की है और मैंने कहाँ से परचेज किया है। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको हम वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें एक स्टैंड मिल जाएगा। और जो मेन यूनिट की बात कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं, जो कि काफी अच्छा खासा आपको बड़ा भी यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जा रहा है। ये थोड़ा सा इसे हम नीचे रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिला हुआ है। और मुझे बॉक्स में कुछ मिला नहीं है। एक आपको यहाँ पे वारंटी कार्ड मिल जाएगा, जो कि आपको एक साल की वारंटी कार्ड यहाँ पे मिल जा रही है। डब्बे पे आपको टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट इस टोल फ्री नंबर से आप बात करके कस्टमर से इसे आप रिपेयर भी करा सकते हैं। तो आपको दिखा दे रहे हैं टोल फ्री नंबर कहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे कस्टमर केयर का यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। आप उसे बात करके आसानी से इसे रिपेयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं, अगर वारंटी में आपका होगा तो। आइए बात करते हैं इस हम मेन यूनिट के बारे में। सबसे पहले हम इसे रैपर से निकालते हैं। इसकी लुक की बात करें तो आप देख सकते हैं, जो कि अंदर में आपको तीन हैलोजन लगी हुई है। ये आपकी जलेगी और आपको जो बोलते हैं कि हवा, इसमें हवा नहीं आएगा, सिर्फ आपका यहाँ से वो क्या बोलते हैं हीट आपका बाहर आएगा। तो आइए थोड़ा सा इसे हम स्टैंड में फिट करते हैं और देखते हैं इस बटन का क्या क्या इसमें रिमोट फंक्शन दिया हुआ है और नीचे में ये कुछ दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम स्टैंड इसे करते हैं। तो स्टैंड करना काफ़ी आपको सिंपल है, कैसे स्टैंड करना है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसे उल्टा कर लेते हैं। इसे आप कैसे स्टैंड करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टैंड अपने हाथ में लेते हैं और यहाँ पे कुछ आपको स्क्रू वगैरह दिए हुए हैं, तो इसको हम आपको दिखाते हैं। एक स्क्रू आपको यहाँ पे मिल जाएगा और एक स्क्रू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको हाथ से धीरे सा, अभी ये टाइट कसा हुआ नहीं है, हाथ से इसे ओपन कर लीजिएगा। तो ओपन करने के बाद आपका ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड को आपको ऐसे फिट करना है। यहाँ पे कुछ आपको दिया हुआ है, जो कि ये वायर के लिए। तो सबसे पहले हम वायर इसमें हम रखते हैं। इस वायर को हम नीचे से निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे हम वायर अंदर कर चुके हैं और यहाँ पे आपको जो स्क्रू वगैरह था इसको यहाँ पे आपको दोनों में कस देना है। तभी हम टाइट कसेंगे, नहीं वीडियो काफ़ी आपका लंबा बन जाएगा। तो आइए हम इसे सीधा रखते हैं अब हीटर को। तो ये आप देख सकते हैं, जो कि मेरा हीटर खड़ा हो चुका है। थोड़ा इसे हम दूर करते हैं ताकि आपको अच्छे से वीडियो में देख सकें। यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि आपको ये हीटर खड़ा हो चुका है। अब इसमें पावर सप्लाई देंगे और इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे और क्या क्या मोड्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं, सारे फंक्शन इसमें जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे चार यहाँ पे आपको मोड्स बटन वगैरह दिख जाएंगे। यहाँ पे लिखा है टर्न 400 वाट, 400 वाट, 400 वाट, यानी आपको जब तीनों आप इसमें हैलोजन जला देंगे आपका 1200 वाट इसका आपको कंज्यूम करने लगेगा। यहाँ पे आपको एक टर्नेबल शिफ्ट यहाँ पे मोटर भी लगी हुई है, जो कि अगर आप चाहते हैं ज़्यादा लोग हैं घर में तो आप यहाँ पे इसे टर्न भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का है, फर्स्ट बटन आपको ये है, ये आप जैसे प्रेस करिएगा ये आपकी अंदर की हैलोजन जल जाएगी। थोड़ी सी आपको वीडियो को दूर से करके दिखा देते हैं। ये आप जैसे भी यहाँ पे बटन प्रेस करिएगा ये आप देख रहे हैं, जो कि हैलोजन जल गई और यहाँ से आपका टर्न भी होने लगेगा। ये आप देख सकते हैं, जो कि टर्न होने लगा। वीडियो में तो खैर उतना नहीं दिख रहा है आप, और 200-400 वाट आप करना चाहेंगे और इसे तो एक बार इसे और प्रेस कर दीजिए, नीचे की भी लाइट जल जाएगी। फिर इसे आप जला दीजिएगा, नीचे की और लाइट जल जाएगी। फिर यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मेन आपका बटन ये है, अगर आप इसे ऑन करेंगे तभी आप कोई भी दूसरा तीसरा हैलोजन भी इसमें आप जला सकते हैं। और आप सोचेंगे केवल मुझे ये मिडिल, यानी अगर लोअर वाला और मिडिल वाला सोचेंगे जलाने के लिए, तो वो नहीं जलेगा। सबसे पहले आपको सबसे ऊपर वाला हैलोजन जलाना है, फिर उसके बाद आप जो चाहें वो आप नीचे ऊपर का भी जला सकते हैं। आप सोचिए कि सबसे डायरेक्ट हम इसे टर्न ऑन कर दें, यानी आपका घूमता रहे। तो जब से ये पावर सप्लाई आप ऑन नहीं करिएगा तब तक से ये ऑन नहीं होगा। तो आइए इसे हम ऑन करते हैं और देखते हैं एक बार फिर से। तो ये आप देख रहे हैं, जो कि आपका मूव कर रहा है, ये आपका काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से हीट भी है बाहर आ रहा है। इसमें कोई भी हवा नहीं दिखेगा आपको, बस आपकी हैलोजन जलेगी और आपकी यहाँ पे जो हीटिंग एलिमेंट है आपका बाहर आते रहेगा।
फिर इसे ऑफ कर दीजिएगा, ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे अगर सोचते हैं कि नहीं मुझे अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करना है तो आप एक बटन सिर्फ 400 वाट जलाइए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ ज़्यादा लोग हैं, रूम आपका बड़ा है, तो इसे आप दोनों दबाइए। फिर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे तीनों का यूज़ करना है, तब तीनों बटन आप बारी बारी से कोई भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये रहा मेरा बटन का मोड्स। और नीचे में जानते हैं कि मुझे नीचे में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे नीचे में देख रहे हैं, जो कि आपको एक यहाँ पे पुश बटन दिया हुआ है। जब तक से ये पुश नहीं होगा तब तक से इसमें आपको पावर सप्लाई नहीं आएगा। आइए इसे हम ऑन करते हैं। ऑन कर दिया और इसे जैसे आप दबाइएगा, जब तक से ये आप यहाँ पे पुश नहीं करिएगा तब तक इसमें आपका पावर सप्लाई नहीं आएगा। इसे आप जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको स्टैंड में ही यूज करना है, ताकि स्टैंड में जब आप लगाएंगे तो ये आपका जो ये स्विच लगा हुआ है ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका पुश अंदर टाइप अंदर में हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे यहाँ से बटन से क्यों करें, तो बटन से आपका कोई भी जलने वाला यहाँ पे नहीं है, देख रहे हैं, क्योंकि मैं सारे बटन वगैरह भी यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, कुछ आपका यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मान लीजिए ये बटन मेरा ऑन है, अभी ये मेरा नहीं हुआ है। जैसे ही हम यहाँ से पुश करेंगे ये देखिएगा, जो कि आपका जल जाएगा। और इसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं है, पूरा बॉडी आपको प्लास्टिक की मिल जाएगी, कहीं से आपकी यहाँ पे करंट लगने की डर नहीं है। पीछे में भी आपको हम दिखा देते हैं जो कि आपको कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज वगैरह दिया है, कितने वोल्टेज पे हमें चलाना है। तो 230 वोल्ट पे हमें इसे एक फेज का, ये है आपका आसानी से सिंगल फेज पे ये आप रन करा सकते हैं। और इसकी हम बात करते हैं प्राइस की, कितने की प्राइस है, मुझे कितने की पड़ी है, कहाँ से मैंने परचेस किया है, तो ये बता दें। मैंने तो खैर ये ऑफलाइन से परचेस किया था। अगर आप भावगो मार्केट लोकल से अगर कहीं बिलोंग करते हैं तो मैं आपको ये 2200-2300 रुपये का आसानी से दिलवा दूंगा। अगर यही चीज़ आप अगर ऑनलाइन परचेस करेंगे तो आपको 3200-2800 रुपये का पड़ेगा। तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में आपका सारा ये व्हाट्सएप नंबर भी पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाकर मुझसे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके पीछे का लुक भी दिखा देते हैं। ऊपर में आपको एक हैंडल लगा हुआ है, देख सकते हैं, कहीं भी आप आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। ये आपका टोटली आपको 1200 वाट की पड़ जाएगी। और बात करते हैं कि इसकी हैलोजन चलती है। आपको बता दें मैक्सिमम आपको 2-3 साल आराम से ये चल जाएगा हैलोजन। फ्यूज आपका तभी होता है जब आपका इसमें हाई वोल्टेज पावर सप्लाई होता है, तब आपका ये हैलोजन फ्यूज हो जाएगा। ऐसे जनरली नॉर्मली ये होता नहीं है फ्यूज। अगर फ्यूज भी होता है तो आपका ये हैलोजन लगभग 70-80 रुपये का एक आता है, 400-500 वाट का, वो आप इसमें फिर से इंस्टॉल करके इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका हम पूरा थोड़ा सा दूर से लुक दिखा देते हैं कि ये देखने में कैसा है। ये आपका साइज़ की बात करें तो लगभग आपको ये 2.5 फीट, यानी 2.5 से 3 फीट तो नहीं, 2.5 फीट ये आपका ये हाइट आपका आ जाएगा। तो इसे हम थोड़ा सा एक बार और ऑन करते हैं। इसकी हीटिंग काफ़ी अच्छी खासी है फ्रेंड, 1200 वाट के इसमें 3 आपको हैलोजन रड लगे हुए हैं, कोई भी नॉर्मल इसमें रड नहीं लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। खैर तो वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा कितना इसका हीट बाहर आ रहा है, अगर इसके पास आप रहते तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। ये आपको पोलर कंपनी की मिल जाएगी, आप देख सकते हैं ब्रांड भी इसकी, नीचे मैं आपको दिखा दें, जो कि पोलर कंपनी की आपको यहाँ पर ब्रांड भी मिल जाएगा। और इसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं है फ्रेंड, इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी दे दी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।